आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों का फेवरेट डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा बर्गर, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बच्चे अक्सर बाहर से पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाने की ज़िद करते हैं, लेकिन आज हम इसे घर पर बनाने वाले हैं एकदम डोमिनोज स्टाइल, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा ये फेवरेट होता है। इसमें हम खूब सारी सब्जियाँ डालने वाले हैं, पनीर डालने वाले हैं और चीज़, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और इसी से हम बनाने वाले हैं। और घर पर अगर हम बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ भी होगा और हमारे बच्चों के लिए हेल्दी भी होगा और बिल्कुल टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिज़्ज़ा बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम घी डाल लेंगे। घी की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं या कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आप ताज़ा अदरक लहसुन लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसे हम भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए। अब मैंने यहाँ एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, जिसको बारीक कट कर लिया है। इसे हम भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। हल्का सा, बस हल्का गुलाबी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, डाल लेते हैं। इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जो भी सब्जियां हम इस्तेमाल करने वाले हैं उनको हम कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब मैंने यहाँ कद्दूकस करके पत्ता गोभी ली है, आप चाहें तो बारीक कट करके भी ले सकते हैं। इसे भी पका लेंगे हम, क्योंकि हमने सब्जियों को बिल्कुल बारीक कट किया है या कद्दूकस किया है तो उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेकंड में ही वो अच्छे से पक जाएंगी। अब मैंने यहाँ 1/2 कप कद्दूकस की हुई गाजर ली है, डाल लेते हैं। इसे भी पका लेंगे कुछ सेकंड के लिए हम। अगर आपको घी कम लग रहा है तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1/4 कप बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर पहले से ही सॉफ्ट होते हैं तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम खूब सारी सब्जियाँ डालने वाले हैं, तो बच्चे इसको, अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे हैं तो अगर ऐसे डालेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से चट कर जाएंगे। सारी सब्जियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। 3 चम्मच मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो केचप डाल लीजिए। अगर इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाना है तो 3 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच उसमें हम चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और 1/2 चम्मच हम ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब उसमें डाल लेंगे, तो इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार होगा। 1 चम्मच हम टोमेटो केचप डाल लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ ऑरिगेनो लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने यहाँ 1/4 कप बारीक कट करके पनीर लिया है, क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, ये डाल लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, इसमें खूब सारा प्रोटीन होता है। अब हम फाइनली इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे, तो स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ 3 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। अब हम इसकी टिक्की बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 2 चम्मच यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च ली है, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच यहाँ अमचूर पाउडर डाल लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। एक चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच ऑरिगेनो डाल लिया है और 6 बड़े चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है। आप अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है आपके पास तो आप राइस फ्लावर भी ले सकते हैं। तो जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से 6 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। और कॉर्नफ्लावर की जगह आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, बिल्कुल आटे की तरह ये लगकर तैयार हो गया है। अब हम जितनी बड़ी या छोटी हमें टिक्कियाँ बनानी हैं उसी के अनुसार हम इसमें से मिक्सर लेंगे और टिक्कियों की शेप देते हुए हम टिक्कियाँ बना लेंगे अच्छे से। तो हथेली पर हल्का सा गोल करेंगे इसे और टिक्की की हम शेप देंगे, बिल्कुल ऐसे हल्का सा दबाते हुए इसको शेप दे देंगे। बिल्कुल ऐसे हम टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, तो टिक्कियाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया है। तेल को हम मीडियम गरम करेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और टिक्की को हम तवे पे रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, दोनों तरफ से पलट पलट कर इन्हें फ्राई कर लेंगे। देखिए एक तरफ से हल्का सा इसमें कलर आ गया है, तो अब हम इन्हें पलट लेंगे बिल्कुल ध्यान से। देखिए ऐसे पलट लेते हैं और दोनों तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। एक बार और पलट लेते हैं इन्हें हम। बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है। टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। टिक्कियाँ बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली हैं, बहुत ही अच्छी एकदम क्रिस्पी बनी है ये। अब मैंने बन लिए हैं, बन को मैंने बीच में से कट कर लिया है और थोड़ा सा हम पिज्ज़ा सॉस लगा देंगे इस पर। पिज्ज़ा सॉस की जगह आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ मेयोनीज लिया है, एगलेस मेयोनीज है, तो दूसरी तरफ हम मेयोनीज लगा लेंगे। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप उसकी जगह बटर भी लगा सकते हैं। अब हम स्टफिंग लेंगे, बिल्कुल अच्छे से ठंडी कर ली है हमने ये। अब ये रख देंगे, जितनी ज़्यादा या कम पसंद है आप उसके अनुसार इस पर स्टफिंग डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा चीज़ लिया है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो चीज़ डाल लेंगे हम। चीज़ आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम टिक्की रख लेंगे। टिक्की एकदम क्रिस्पी बनी है और उसके ऊपर भी थोड़ी सी स्टफिंग, और इसको बन को हम बंद कर देंगे अच्छे से। और अब हम बन के ऊपर हल्का सा टोमेटो केचप लगाएंगे, फिर स्टफिंग, फिर चीज़, उसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम ऑरेगानो डाल देंगे। अब इसे हम बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए यहाँ 5 मिनट पहले मैंने कढ़ाई को अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। देखिए इसमें एक स्टैंड लगा दिया है और उसके ऊपर मैंने प्लेट रखी है। प्लेट पर ऑयल या बटर लगा दीजिए और उसके ऊपर हम बर्गर रख लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर ढक कर बेक कर लेंगे। 4 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे।
देखिए 5 मिनट हो गई है, पिज़्ज़ा बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है, अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है और इसे हमें घर पे बनाया है तो बहुत ही ज़्यादा ये सेफ़ भी है और हेल्दी भी है। आप भी ऐसे पिज़्ज़ा बर्गर बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बाहर का पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाना भूल ही जाएंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।